वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ एस गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले खतरनाक सा चैलेंज ये है गाइस, इंडियन वर्सेस अमेरिकन स्नैक्स चैलेंज। ठीक है, स्नैक्स फूड नहीं, स्नैक्स मतलब जितने भी चिप्स होते हैं, चॉकलेट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, मतलब जितना भी जंक फूड होता है वो हम लोग ट्राई करने वाले। इंडियन ब्रांड्स एंड अमेरिकन ब्रांड जो है दोनों के बीच में टक्कर होगी गाइस। देखते गाइस कौन सा बेस्ट रहेगा टेस्ट में एंड प्राइस में, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली आइटम हमारे पास मेरे हाथ में ये प्रिंगल्स एंड सनी के पास है हल्दीराम के चिप्स। ठीक है, एक नॉर्मल चिप है, ये टोमेटो चिप है और ये वाला पता नहीं प्लेन चिप है, प्लेन चिप है एकदम सॉल्ट वाला जो रहता है नॉर्मल वाला ये। और इसका प्राइस है 115 रुपए, 115 रुपीज, एंड इसका प्राइस है 20 रुपीज। मतलब प्राइस में देख लो कितना ज्यादा फर्क है, 115 20 रुपए भाई। इसमें ऐसे 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 पांच आ जाएंगे भाई, इसमें पांच आ जाएंगे जितने भी आएंगे। बट गाइस अब ट्राई करते हैं इसको, पहले ये ट्राई करें। हाँ पहले प्रिंगल्स ट्राई करते हैं। प्रिंगल्स की पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ढक्कन ढक्कन दिया हुआ है, काफी तगड़ी है ये है आराम से यार। और इसमें क्वांटिटी खुशबू नहीं आ रही है बिल्कुल भी, प्लेन चिप्स है ना, तभी तो प्लेन चिप्स। और क्वांटिटी काफी है, काफी सारी है, काफी है। बट 110 या 115 रुपए में भाई बहुत ज्यादा। चलो टेस्ट अच्छा है गाइस, प्लेन के हिसाब से एकदम मस्त टेस्ट है, ना ज्यादा नमक है ना ज्यादा कुछ है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये वाला मैंने ये वाला नहीं खाया मैंने आज तक प्रिंगल्स, मैंने हमेशा मसाले वाले खाए, एकदम परफेक्ट है गाइस। मेरे हाथ नहीं रुक रहे, अच्छा है। और गाइस आपका जो फेवरेट चिप्स है या फिर बिस्किट है या फिर चॉकलेट है या फिर वो भी कमेंट करके बताना फटाफट से, कमेंट करके देखते हैं गाइस किसका ज्यादा कौन सा फेवरेट है। ठीक है, बट अब हम खाने वाले गाइस हल्दीराम के चिप्स और ये वाला टोमेटो फ्लेवर है, और रेटिंग भी देंगे टेस्ट के हिसाब से गाइस। और प्राइस को रेटिंग पहले दे दे, नहीं इसको इसको बाद में देंगे ना गाइस, इसको पहले टेस्ट कर लेते, उसके बाद देखेंगे इसका टेस्ट। एकदम नॉर्मल पैकेट है ये, तो एकदम ये है मसाले मसाले वाला ये। ओके काफी ज्यादा टेस्टी है भाई भाई। तुम्हारे को हम लोगों ने दोनों के दोनों टेस्ट कर लिए, अब तू बता इसको कितने मार्क्स देगा, 10 में से कितने पॉइंट देगा भाई। 10 में से मैं इस चिप्स को कितने दूंगा, 8 8 8 पक्का 8। मैं भी 8 दूंगा। इसको कितने देगा, इसको मैं दूंगा 7 भाई। पता क्यों, सिर्फ इसलिए पहला कि ये बहुत महंगा है और प्लेन था, अच्छा है, प्लेन फ्लेवर भी बहुत टेस्ट अच्छा है, बट उतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं, मैं भी 7 पॉइंट दूंगा। तो गाइस इसको जो खाते इसको जो खाते खाते मजा सा आ गया गाइस। तो गाइस पहले राउंड का विनर है इंडियन ब्रांड हल्दीराम चिप्स। तो गाइस नेक्स्ट आइटम हमारे पास एक चॉकलेट बार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है हर्शीज। ठीक है, ये और ये है अमूल की एक डार्क चॉकलेट। गाइस गाइस दोनों के रेट में भी काफी ज्यादा फर्क है, ये है 55 रुपीज की है 25 रुपीज, तो ये भी एक्सपेंसिव है थोड़ी, बट इससे तो कमी है, ये है 55 की। ठीक है, और इंडियन ब्रांड और ये है अमेरिकन ब्रांड। अब दोनों का टेस्ट ये होने वाला है, मेरे को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है और ऊपर से खासकर हमको डार्क चॉकलेट तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज आने वाला है। करते गाइस सबसे पहले गाइस हर्शीज खा के देखते हैं, हर्शीज का टेस्ट चेक करते हैं। ये ले जस्ट गो। भाई मत खाओ भाई, अच्छा नहीं होता इतना, चॉकलेट गाइस अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले अभी अमूल चॉकलेट इंडियन ब्रांड। ओके ओ भाई मस्ती काफी, ये तो भाई ज्यादा अच्छी पैकेजिंग में भी सस्ती है, बट फिर भी देखो गाइस पैकेजिंग चेक करो, मेरे को खोलने दे, मैं खोलूंगा भाई मैं खोलूंगा, ये देखो यार मेरे को कभी नहीं खोलने देता ये चीजें भाई। पैकेजिंग के तो गाइस पूरे पूरे नंबर मिलते हैं गाइस अमूल को, मतलब सस्ती पैकेजिंग भी अच्छी है। और ये देखो क्या पैकेजिंग है, खतरनाक चॉकलेट की भी एक क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी देखो भाई इसकी, कलर एक बार कलर गाइस कलर देखो इसका, ये देखो भाई वो इसका सामने कलर देखो भाई, डार्क बिल्कुल एक बिल्कुल प्लेन डार्क भाई। अब आएगा ये इन डार्क चॉकलेट की, उसमें मैं एक्सपर्ट हूं। अच्छा गाइस 9 नंबर, बट मेरे को हर चीज बहुत अच्छी लगती है, तो ये महंगी है, लेकिन महंगी है इससे काफी महंगी है, इसको भी 9 नंबर दूंगा, दोनों को 9 नंबर दूंगा। ओके तो गाइस हर्षीज को मैं दूंगा भाई 7 नंबर, अच्छी है 7 नंबर, खास नहीं है, मजाक नहीं, इससे टेस्टी तो भाई जो घटिया देसी देसी चॉकलेट आती है ना एक रुपए 10 सॉरी 5-5 रुपए वाली, वो भी अच्छी होती है, मजाक नहीं कर रहा सच बता रहा हूँ। और जो डार्क ये अमूल की पहली डार्क चॉकलेट इतनी टेस्टी है भाई, खाने का जो स्वाद आता है वो बहुत अच्छा है। दूसरा पैकेजिंग भी अच्छी, पैकेजिंग बहुत अच्छी और सस्ती इतनी ज्यादा भाई, ये 50 ये राउंड भी जीत लिया अमूल ने, इंडियन ब्रांड ने जीत लिया, रेट भी कम है और चॉकलेट पैकेजिंग हर चीज एकदम परफेक्ट है, तो ये राउंड भी जीत लिया इंडिया ने।
तो गाइज नेक्स्ट आइटम आ चुकी है, अभी हमारे पास आ चुके हैं बिस्किट। एंड गाइज ये है इंडियन ब्रांड मॉम्स मैजिक सनफिस्ट का, एंड इसका प्राइस है 45 रुपीज। और गाइज ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड ओरियो, और इसका प्राइस है 10 रुपीज। वैसे तो इसका बड़े वाला पैकेट थोड़ा महंगा होता है, बट ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा लगा मुझे। मेरे को लगा था 10 का होगा, बट भाई ये तो 45 रुपीज का हो चुका है, काफी महंगा हो चुका है। पहले तो शायद ये 20 में ही मिलता था। हाँ 20 में मिल, मेरे हिसाब से 20 मिलता, पर चलो अब ओरियो को ट्राई कर। ओरियो का टेस्ट मैं सबको बताया गाइज, ओरियो तो यार बेस्ट है गाइज। ओरियो का स्वाद किसको नहीं पता भाई गाइज, ओरियो का टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बट फिर भी हम लोग दोनों को ट्राई करेंगे। ऐसे ऐसे नहीं बाजे, कर ले आना तूने गलती कर दी ऐसे। ऐसे कौन खाता है, ऐसे कौन खाता है, कमेंट करके बताना। तो गाइस अब बार ये मॉम्स मैजिक ट्राई करने की, मेरे को खोलने दे यार तू साला, हमेशा टेस्ट तो भाई एक नंबर खतरनाक था, मजेदार। गाइस ये बिस्किट्स मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को ओरियो भी पसंद है, बट इसकी स्मेल ही भाई इतनी अच्छी है ना, लाइक बिल्कुल स्वादिष्ट। ओरियो गाइस बहुत, मैं दूंगा इसको 10 में से 10, इसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं। इसका 10 में से 6, 10 में से 9। हाँ इसको यार ये अच्छा नहीं है, गुड्डे अच्छा है ज्यादा, इसको बता जल्दी। पता क्या इस 7 तो गाइस इसमें वो नहीं है, पता क्या इसमें बिस्किट के बीच में वो ओरियो जीत चुका है गाइस ये वाले राउंड में। तो इस बार अमेरिकन ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड जीत गया, इंडियन ब्रांड हार गए इस बार। तो गाइस नेक्स्ट आइटम आ चुकी है, यहाँ पर हमारे पास है डोरिटोज, एंड इसके शेप के कुछ मैड एंगल्स, तो दोनों ट्रायंगल शेप में। ये बिंगो कंपनी का और ये है अपना बिंगो, हाँ बिंगो का है और ये है अपना डोरिटोज, डोरिटोज ही है कंपनी, पता नहीं कौन सी है। तो गाइस दोनों का रेट भाई है, इसका मैं पहले बता रहा हूँ, इसका भी 20 है, मैं इसमें डिसाइड नहीं कर सकता भाई। ये भी बहुत टेस्टी है और ये भी भाई बहुत टेस्टी, खासकर ये वाला फ्लेवर, ये खतरनाक मुकाबला होगा। देखो खोल के दिखाना जरा इसमें कितने चिप्स है, इसमें देखो गाइस इतने चिप्स है, इतने ओ इसमें ज्यादा चिप्स है भाई, इसमें ज्यादा चिप्स है, हाँ इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है इसमें ज्यादा है, बट चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये मैड एंगल्स, मैड एंगल्स नहीं भाई क्या, डोरिटोज, डोरिटोज, डोरिटोज वर्ल्ड्स बेस्ट नाचोस। इसमें बटरी फ्लेवर है ना, अच्छे हैं गाइस, एकदम मस्त टेस्ट है। बट जो कहते हैं ना वो इंडियन तड़का, इंडियन तड़का, इंडियन मसाला, इंडियन मसाला ही पसंद है और वो इसके अंदर है भाई, इंडियन मसाला वो नहीं आ पाता, बट टेस्ट तो एक नंबर है भाई। अब ये भाई इसको तो देख के ही ना, इसको खाते ही ना देखते रहे मुंह में, ऐसा लगे तेरे को धुआं सा आ गया है, काफी सख्त है ना, चबाने में काफी ज्यादा सख्त से है थोड़े, नहीं सॉफ्ट होते हैं, और ये बहुत सॉफ्ट है, ये वाले बहुत सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट होते हैं पर ये वाले बहुत सख्त है। मेरे दिन तो बन गया भाई, डोरिटोज 10 में से 9, 10 में से 7। तो गाइस तू कितने देगा तू बता भाई, मैं इसको जिताने वाला था पर ये बहुत सख्त है, अजीब सा ही टेस्ट आ रहा है कुछ, ये ज्यादा बढ़िया है। 10 में से 9, 10 में से 8, वैसे 10 में से 10 है ये, तो गाइस ये वाला भी जीत लिया गाइस, अमेरिकन ब्रांड डोरिटोज ने। चलो गाइस लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो गाइस नेक्स्ट आइटम हमारे पास यहाँ पर एक एपी फिश, जो कि इंडियन ब्रांड है, एंड ये है पेप्सी, ये तो आपको पता ही है अमेरिकन ब्रांड है। तो चलो ट्राई करते हैं दोनों को, एंड मेरे को यहाँ पर एक क्या चुका, इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस देखते हैं पहले जरा, 40 रुपये, इसका प्राइस है 35 रुपीज की कैन है, एंड ये होगी 10 रुपए की, क्वांटिटी में छोटी है, मतलब ये है भी छोटी दिखने में, हाँ ये 10 रुपए की है, छुटकू सी है, बट इसके साथ एक स्ट्रॉ भी मिली है मुझे। तो चलो अब ट्राई करते हैं दोनों को, भाई तू ट्राई कर अपनी पेप्सी, ट्राई मैं पेप्सी ट्राई करूँ, मैं एपी ट्राई करूँ, ओके। चलो भाई मेरे को डर लगता है हमेशा कैन खोलते हुए, ओके नहीं हुआ, ये लीक नहीं हुआ, चलो लेट्स गो, ड्यूटी कर लूँ। हाँ गाइस ठीक है, सही टेस्ट है, पेप्सी तो मैंने पी भी है, मैंने पी भी है। तू कितने देगा पेप्सी को यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक हेल्दी गाय हूँ, ओके हाँ, सो इन चीज़ों में मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, हेल्दी के हिसाब से देखा जाए तो गाइस एपी बढ़िया है, नहीं दोनों सेम ही है, दोनों गलत है भाई, पर यार ये लाइक कोक में जो मजा है ना वो फिजीनेस वो इसमें, ये मीठा मीठा आता है, मीठा सा होता है ये, इसका टेस्ट मेरे को नॉर्मल लगा, मेरी तरफ से पेप्सी जीत गई, मेरी तरफ से भी एपी जीत गई, एपी जीत गई, मेरी तरफ से एपी जीत गई, पता क्यों,
क्योंकि ये बहुत मीठी होती है गाइस। एक एक पॉइंट दोनों को, एक पॉइंट पेप्सी को, एक पॉइंट तीन तीन का होगा ना स्कोर, दोनों का स्कोर तीन तीन का होगा। तो गाइस नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर हमारे पास हाइड एंड सीक, और मेरे पास है किट कैट। चलो गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं और इनका प्राइस आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस है 60 रुपीज, इसका 20 से 25 बिस्किट बन रहा है भाई, एक तरह से चॉकलेट वाला, ये चॉकलेट चॉकलेट होती है इसके अंदर भरी बिस्किट, तो क्या ही बोलना इसको। यस, चलो ट्राई करते हैं अभी पहले ये खाते, और गाइस ये इंडियन ब्रांड, ठीक है पार्ले। रेट में से तो इसका तो 25 है, 25। हाँ भाई भाई 10-15 की मिलती थी, और ये 60। चलो 60 होगा, हाँ चलो वो तो फिर भी दिखता है 60, बट ये अरे इसको खोलना बड़ा मुश्किल है वो भाई। भाई तेरे शरीर में जान नहीं, इधर दे मेरे को। चलो 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 ले। ओहो, इनको खाने में आता है भाई मजा, ये बहुत सही चीज है। आज गाइस कुछ ज्यादा ही चॉकलेट खा लिया, दांत में दर्द हो जाएगी इसके बाद खाने के बाद। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, और ये है कुछ ऐसा। तो चॉकलेट भरी हुई है, आप क्रंची चॉकलेट है, एकदम मस्त रहता है, मजेदार। तो गाइस नेक्स्ट आइटम हमारे पास किट कैट, और इसको हम लोग खोलेंगे कुछ। ओए नहीं नहीं, मत कर मत कर मत कर मत कर, हाथ हटा दे, मत कर, नहीं क्यों फाड़ रहा है इसको इस तरह। इसको हम लोग कुछ नेक्स्ट तरीके से फाड़ेंगे भाई, ये गलत कर रहा है तू इसके साथ, और मेरा वो भी मैं खराब कर रहा है तू। चलो बस भाई ऐसे तक छोड़ दे इसको, छोड़। गाइस ये है किट कैट, पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, पैकेजिंग अच्छी थी पर खराब कर दी गई है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इतनी स्टिक, इसमें भाई मैं तो कम ही खाऊंगा यार, मैं भी कम ही खाऊंगा। ये भी थोड़ी क्रंची है, वो भी क्रंची है, पर भाई इसका स्वाद। रेटिंग्स, ये कुछ ज्यादा ही चॉकलेटी है यार, वो भी ऐसी चॉकलेटी है क्या। 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7। तो गाइस बहुत ज्यादा चॉकलेटी है ये, चॉकलेटी पर तो मान लो ये वाला राउंड जीत लिया अमेरिकन ब्रांड ने, इंडियन ब्रांड में मतलब हार गया, बट दोनों का टेस्ट ही मस्त है यार दोनों। कौन भी कवर कितने कितने पॉइंट्स, कितने 4 हो चुके अमेरिकन ब्रांड के, 3 हो चुके इंडियन ब्रांड के। तो गाइस अभी हमारे पास है कॉर्निटोस एंड हमारे पास है कुरी कुरी कुरे, इसका रेट है 35, इसका 20। यहां मर्डर हो चुका है, ये खुल चुका है गाइस कॉर्निटोस। भाई ये जो होते हैं ना, ये है असली नाचोस, असली मतलब इसके साथ सालसा हो जाए। ओहो हो, फ्लेवर्स खाने के बाद कैसा न फ्लेवर अच्छा, ठीक है। नहीं मेरे को भाई कितना पागल है क्या, आराम से खाओ भाई। 10 में से 10, 10 में से 6, बहुत अजीब सा टेस्ट है कुछ इसका। 10 में से 10, वेल डन। बता From the taste and from the texture of this flavor, what is called green chili flavor? It's pretty sour, but at the same time it's salty too. Eh? And after you eat it, the sourness, sourness. अरे भाई अनपढ़ गवार, क्या इंग्लिश बोला? The chilliness left in your tongue is super great. For this nachos, it's good flavor. अरे यार point बता. Shut the Shut up. This is good, but the flavor is kind of sour and kind of fiki ko kya bolte hain English mein. Guys, clearly Kurkure jeet chuka hai iski taraf se bhi, and tie ho chuka hai, 4-4 ka point ho chuka hai. To guys jeeta koi bhi nahi, baki aap log comment karke batana ki aap log ke hisab se kaun jeeta. Aur guys aap log milte hain aapko next video mein, Instagram pe jaake follow kar dena, link description mein, is video ko like karo, mera bhi share karo sabhi ke sabhi doston ko, milte hain next video mein, tab tak ke liye bye bye.